चौहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मुखल्लफ किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक आदम एतमाद, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा ऐसा प्लान तैयार कर रखा है, अपोजिशन को समझ नहीं आनी। मुतहदा अपोजिशन का सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मवाक़से की तहरीक लाने का फैसला। काफ लीग के वक्त से MQM रहनुमाओं की मुलाकात। इमरान खान के साथ वो करूंगा जो नस्लें याद रखेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कोई सियासी इत्तेहाद नहीं, सब सिलेक्टेड को निकालने के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पर जमा हुए हैं। अपोजिशन की सियासत सिर्फ 7 दिन की है, फिर उनके साथ अप्रैल फुल होगा, शेख रशीद का बड़ा दावा। वफाकी हुकूमत ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 20 पर अमल दरामद रोक दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर इस केस का दिफा कर रहा हूँ, ये केस हम सब की गलती से हुआ। मवेशियों में लंपी स्किन बीमारी तेजी से फैलने लगी, आवाम की जानों को लाहक खतरात मजीद बढ़ गए। खौफजदा और हिचकिचाहट का शिकार शहरियों ने जानवरों में लंपी स्किन के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids, or wife के लिए Greenish Natural Health. एक tab दे दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ हेल्प यू लिविंग फॉर द होल फैमिली। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नरम मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा, मैं इन ओछे हथकंडों से घबराने वाला नहीं हूं। ऐसा प्लान तैयार कर रखा है, इनको समझ ही नहीं आनी, पहले भी इस माफिया का मुकाबला किया, अब भी करूंगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऐसा प्लान तैयार कर रखा है, अपोजिशन को समझ नहीं आनी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फारूख हबीब, असद उमर, हम्माद अजहर, शफकत महमूद के अलावा कानूनी टीम भी शरीक हुई। ज़राए का कहना है कि इजलास में तहरीके अदम एतमाद से निमटने से मुतालिक मशावरत हुई, इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर तफसीली बातचीत हुई, जबकि सीनियर रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल से निमटने की तजावीज़ देते हुए कहा
कि हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं इन ओछे हथकंडों से घबराने वाला नहीं, ऐसा प्लान तैयार कर रखा है, इनको समझ नहीं आनी, पहले भी इस माफिया का मुकाबला किया, अब भी करूँगा। इस हवाले से कानूनी माहरीन ने वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ तजावीज़ दे दी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान से मुतालिक स्पीकर को खत लिखने की तजवीज़ दी गई। ऐसे अरकान की मुबैना फहरिस्त पहले ही इमरान खान के पास मौजूद है। तजवीज़ दी गई कि स्पीकर से दरख्वास्त करें कि अगर ये अरकान वोट डालें तो उनके वोट को गिनती में शुमार न किया जाए। इमरान खान का कहना था कि अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा, पंजाब में पैदा होने वाले हालात पर काबू पा लेंगे, तमाम अरकान मेरे साथ दें, परेशानी की कोई बात नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के वफ की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। काफ लीगी रहनुमाओं ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अपने अरकान को अभी तक राजी नहीं किया गया, हुकूमत को ताखिर से फैसले करने से नुकसान हो रहा है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान कहा है कि ओपोजिशन के दावे सच साबित हो गए तो इत्तेहादियों को भी मुंह की खानी पड़ेगी। ज़राए ने बताया है कि इत्तेहादियों ने गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि ओपोजिशन जमातों की तहरीक की कामयाबी का इन्हिस्सा हुकूमत के नाराज अरकान पर है। दूसरी जानिब मुतहदा ओपोजिशन ने सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुवाक्से की तहरीक लाने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के फौरी बाद मुवाक्से की तहरीक पेश की जाएगी। नए सदर के उम्मीदवार के लिए आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान पर मुश्तमिल दो रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि तय हो गया है कि सदर पीपल्स पार्टी या JUIFA में से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमारी अवामी मार्च ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद साबित कर दिया है, अवाम ने सिलेक्टेड को मुस्तरद कर दिया है, जयालों ने मार्च में शिरकत करके लॉन्ग मार्च तारीखी बना दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पूरे मुल्क के अवाम को लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ, अवाम ने मिलकर इसे तारीखी मार्च बना दिया है। उन्होंने कहा कि आसिफा बीबी पर हमले का वाकया हमारे लिए काबिले बर्दाश्त नहीं, वजीर आजम कौम के सामने खड़ा होकर सदर जरदारी को बंदूक की धमकी देता है, आसिफ जरदारी को धमकी भी बर्दाश्त से बाहर है। वजीर आजम पाकिस्तान कौम के सामने खड़ा होके सदर जरदारी को बंदूक का धमकी देता है, ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान आपको शर्म नहीं आती कि आप मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, हमारा मौलाना की फैमिली से 1971 से सियासी इख्तलाफ है, लेकिन मैंने कभी भी मौलाना फजल रहमान के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि ओपोजिशन की सियासत 24 से 30 मार्च तक की है, फिर उनके साथ अप्रैल फूल होगा। हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस वापस लेने का इंदिया दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तस्लीम किया कि ये केस हम सब की गलती से हुआ, हुकूमत पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए तैयार है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान समेत सहाफी मोहसिन बेग के वकील एडवोकेट जनरल नियाजुल्ला नियाजी भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा हालत में मुसल्लत किया जाए तो ड्रैकोनियन कानून होगा, हुकूमत इसे वापस लेने को तैयार है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेन स्ट्रीम या प्रिंट मीडिया को पैका एक्ट से रेगुलेट करने की जरूरत नहीं, मामले को वापस काबीना भेजकर मुतालिका अफराद से राय ली जा सकती है। उन्होंने अदालत को यकीन दिलाया कि PF, UJ, PBA और दीगर के साथ बैठकर मामलात हल करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर आजम की खसूसी हिदायत पर इस केस का दिफा कर रहा हूँ, ये केस हम सबकी गलती से हुआ। दौरान समाअत अदालत ने अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप लोग मुल्क को किधर लेकर जाना चाहते हैं कि कोई तनकीद ना हो, कानून किसके तहफ्फुज़ के लिए बना, ऐसी तरमीम कर ली कि कल CDA शिकायत करेगी कि करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। सिंध के महकमा लाइव स्टॉक की मुजरबाना गफलत और मुनासिब इकदाम ना उठाए जाने की वजह से जानवरों में फैले जाने वाली बीमारी लंबी स्किन में तेजी आने के बाद अवाम ने गोश्त और दूध के इस्तेमाल में कमी करना शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
हाँ बेटा। सूबह सिंध में गाय भैंस बकरियों और दीगर मवेशियों में जल्दी मर्स गांठ जिसे अंग्रेजी में लिम्पे स्किन डिजीजेस कहा जाता है फैल रहा है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मवेशी बीमार और मौत के मुंह में जा रहे हैं। आवाम की बड़ी तादाद जानवरों में बीमारी फैलने के बाद गोश्त और दूध के इस्तेमाल में हिचकिचाहट का शिकार दिखाई दे रही है। मालूम हुआ है कि दरअसल लिम्पे स्किन डिजीजेस एक मुतअद्दी जल्दी मर्ज है और ये वायरस गाय भैंसों और दीगर मवेशियों को खून चूसने वाले कीड़ों मच्छरों और मक्खी से लग सकता है। इस मर्ज के शिकार जानवर की जिल्द पर तकलीफदायक फोड़े और जख्म हो जाते हैं, जानवर को बुखार रहता है, आंखों से पानी आता है, भूख नहीं लगती और चलने फिरने से गुरेज करता है। इसके अलावा जानवर की तौलीदी सलाहियत दूध की पैदावार भी मुतासर होती है। बहुत से जानवरों में इस बीमारी की ज्यादा अलामत जाहिर नहीं होती, ताहम ये बास केसेस में जानलेवा भी साबित होती है। महकमा बल्दियात सिंध ने सूबे भर में मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध के मवेशियों में फैलने वाले इस खतरनाक वायरस की वजह से बड़ी तादाद में मवेशी मौत के मुंह में जा रहे हैं और ये वायरस बहुत तेजी से दूसरे जानवरों में भी फैल रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि सिंध के मवेशियों में फैलने वाली बीमारी इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.